नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। सूरत में रांदेर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय लड़की को तांत्रिक द्वारा गुलाम बनाकर रखने और उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि तांत्रिक उसे भांजी मानता था, लेकिन उसने आरोप लगाया है लेकिन उसका उसने रेप किया। सूरत के उगट आवास इलाके में रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती ने 40 साल के विपिन गोविंद सोंधरवा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की है। लड़की की शिकायत के अनुसार आरोपी तांत्रिक है और उसे गुलाम बनाकर उसके साथ दुराचार किया है। पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया, इसलिए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। सूरत के उगट में रहने वाले 40 साल के विपिन खुद को भूवो कहता है। उसने अपनी 21 वर्षीय भांजी का हवस का शिकार बना लिया, जो उसको मामा कहती है। लड़की की शिकायत के अनुसार उसने आरोपी मामा को फोन किया। इसके पहले जब वह अधजान इलाके में रहता था तो लड़की के पिता ने भिवानी की पत्नी को अपनी बहन माना था। उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने पुनर्विवाह कर लिया, इसलिए युवती अपनी सौतेली मां के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वह आरोपी के साथ रहती थी।